हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने प्लांट में वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये देखा है प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू है, उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है वाटर को प्लांट्स तक, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। क्या कहा मैंने? मैंने कहा है प्लांट ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसमें पानी का लॉस हो रहा है प्लांट के अंदर, जो एक्सेस वाटर होगा उसको लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर या वाष्प के फॉर्म में पानी इन्वायरमेंट में बाहर की तरफ निकाला जाता है। कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वो ट्रांसपीरेशन करते हैं? प्लांट का हर एक एरियल पार्ट ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को करता है, जिसमें हम स्टेम के बारे में भी देखेंगे, लीव्स के बारे में देखेंगे, क्यूटिकुलर्स के बारे में, क्यूटिकल सेल्स के थ्रू भी ट्रांसपीरेशन होता है। इवन जो रूट सेल्स हो, जो रूट्स जो है प्लांट में बाहर की तरफ जो रूट्स निकली हुई होती हैं, उनसे भी वाटर का ट्रांसपीरेशन होता है। क्या क्या टाइप्स हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन में क्यूटिकल लेयर से वाटर का ट्रांसपीरेशन होना क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट की एपिडर्मिस के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई होती है, या फिर एपिडर्मिस सेल्स जो है प्लांट की वो एक क्यूटिकुलर लेयर से ढकी हुई होती है। उस क्यूटिकुलर लेयर से वाटर का लॉस होना क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। इससे 5-10% वाटर का लॉस होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या है? लेंटी सेल्स से वाटर का लॉस हो रहा है। लेंटी सेल्स क्या है? वुडी प्लांट्स में या वुडी प्लांट्स के ऊपर और फ्रूट की वॉल के ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें लेंटी सेल्स कहते हैं। इन लेंटी सेल्स के थ्रू वाटर का लॉस होना लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। स्टोमेटल टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन से 0.1% वाटर का लॉस होता है। स्टोमेटल या फोलियर ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल या फोलियर ट्रांसपीरेशन क्या है? फोलियर ट्रांसपीरेशन इसलिए कहा क्योंकि लीव्स की सरफेस से वो लीव, देखो यहाँ पे मैंने लीव का डायग्राम बनाया है, इस लीव की सरफेस से वाटर का लॉस होना फोलियर, इसलिए इस वजह से इसको फोलियर ट्रांसपीरेशन कहा। इसे हम स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लीव की सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या है अभी हम इसे पढ़ने वाले हैं। लीव की सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होना स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहलाता है। 85-90% वाटर का लॉस स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है। व्हाट इज़ अ स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक किडनी शेप स्ट्रक्चर होती है, जो दो सेल से मिलकर बनी होती है, गार्ड सेल से और एसेसरी सेल से। स्टोमेटा का डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, पहले इस डायग्राम को देखो। इसमें मैंने ये बताया है कि ट्रांसपीरेशन के टाइप्स जो अभी पढ़े हमने वो कैसे है। नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्यूटिकल की लेयर से ढकी हुई है। क्यूटिकल की लेयर से वाटर का बाहर की तरफ जाना या वाटर का बाहर की तरफ निकलना क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। स्टोमेटा है, ये मेसोफिल सेल्स है जो लीफ में प्रेजेंट होती है, मेसोफिल सेल्स, जाइलम को ड्रॉ किया है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर का बाहर की तरफ निकलना स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। क्या कह रहा है ये डायग्राम? ये डायग्राम कह रहा है क्यूटिकल की लेयर से वाटर का बाहर की तरफ जाना या लूज होना क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है, और स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लूज होना स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहलाता है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखिए, मैंने बोला दो सेल से मिलकर बना हुआ होता है, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडिएटरी सेल्स। सब्सिडिएटरी सेल्स को एसेसरी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, सहायक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। गार्ड सेल्स जो होती है, हमने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में मैंने कहा था किडनी शेप होता है, गार्ड सेल किडनी शेप होती है, गार्ड सेल्स की स्ट्रक्चर किडनी शेप होती है। ये दो होती है, नंबर में दो होती है, गार्ड सेल फर्स्ट, ये दूसरी, आपस में किडनी शेप्ड है और एक इस तरह से जुड़ी हुई होती है कि इनके बीच में एक केविटी का फॉर्मेशन होता है। ये स्पेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसे
ये गार्ड सेल्स की इस तरह से अरेंजमेंट होने की वजह से एक केविटी का फॉर्मेशन हुआ है जिसे स्ट्रोमेटल पोर के नाम से जाना जाता है। सब्सिड्यूटरी सेल्स नंबरिंग में सब्सिड्यूटरी सेल्स का नंबर दो से ज़्यादा हो सकता है, उसके आधार पे भी हम स्ट्रोमेटा के टाइप्स को पढ़ते हैं। दो गार्ड सेल्स होती है, सब्सिड्यूटरी सेल्स होती हैं जिन्हें एसेसरी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। गार्ड सेल की इनर वॉल जो होती है, डायग्राम में देखो मैंने इनर वॉल थिक बनाई है और आउटर वॉल जो है वो थिन होती है। इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल पतली। आउटर वॉल पतली क्यों बनाई गई है या फिर इनर वॉल को थिक क्यों बनाया गया है, ये वेरिएशन क्यों दिखाया जाता है सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अंदर, ये इसलिए प्रेजेंट होता है गार्ड सेल्स के अंदर क्योंकि ये प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन में हेल्प करवाती है। कैसे? एंडोस्मोसिस हुआ, एंडोस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है गार्ड सेल्स के अंदर आया। एंडोस्मोसिस से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आया जिससे ये सेल्स जो होगी, गार्ड सेल्स जो होगी वो टर्जिट हो जाएगी यानी फूल जाएगी, जिसकी वजह से बॉल पर प्रेशर बनेगा। यदि अंदर की आउटर लेयर जो है वो गार्ड सेल्स की वो थिक नहीं होती तो स्ट्रोमेटा क्लोज्ड हो जाते। क्यों? क्योंकि वाटर अगर थिक नहीं होती, अंदर की गार्ड सेल्स की सेल वॉल जो है वो थिक नहीं होती या मोटी नहीं होती तो उस पर भी तो प्रेशर बनता। उस पर प्रेशर बनने की वजह से ये गार्ड सेल्स अंदर की तरफ फ्लेशेड हो जाती और स्ट्रोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि स्ट्रोमेटा की आउटर लेयर जो होती है, आउटर सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है और इनर सेल वॉल जो होगी वो मोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करवाता है। यदि ऐसे सोचो, यदि आउटर लेयर जो होगी वो मोटी हो जाएगी या और इनर लेयर पतली कर दें तो फिर जब सेल्स के अंदर एंडोस्मोसिस के थ्रू वाटर एंटर करेगा तो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। टर्गर प्रेशर सेल्स फूलने की वजह से वो वॉल्स पे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, उसे टर्गर प्रेशर कहा। अगर ये वॉल गार्ड सेल के अंदर वाली वॉल थिक नहीं होती तो स्ट्रोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते, ओपन होने की वजह से स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाते। इस वजह से इनर लेयर जो होती है सेल, इनर सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है और आउटर थिन होती है। किडनी शेप है, देखो किडनी शेप की स्ट्रक्चर बनाई गई है। इसको हम क्या पढ़ रहे थे? हम टाइप पढ़ रहे थे स्ट्रोमेटा के, हाइपोस्टोमेटिक टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा। हाइपोस्टोमेटिक किसे कहा गया? हाइपो का क्या मीनिंग है? हाइपो लोअर द सर्फेस स्ट्रोमेटा जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे उन्हें हाइपोस्टोमेटिक कहेंगे। क्यों कहा? क्योंकि इनमें स्ट्रोमेटा जो है वो लीफ की नीचे की सतह पर प्रेजेंट होते हैं। एम्फीस्टोमेटिक एम्फी मीन्स बोथ सर्फेस पर प्रेजेंट होगा। एम्फी मीन्स एम्फी नाम से पता चल रहा है बोथ, क्या लीफ की अपर सरफेस पे भी लोअर सरफेस पे भी दोनों सरफेस पे स्ट्रोमेटा प्रेजेंट हुए तो हम उन प्लांट्स को एम्फीस्टोमेटिक कह देंगे। उन स्ट्रोमेटा को एम्फीस्टोमेटिक टाइप के स्ट्रोमेटा के नाम से जाना जाता है। एम्फीस्टोमेटिक किन में देखने को मिलता है? एम्फीस्टोमेटिक टाइप स्ट्रोमेटा मेज के अंदर और ओट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एपिस्टोमेटिक टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा, एपिस्टोमेटिक क्या है? एपी अपर द सरफेस ऑफ लीफ, स्ट्रोमेटा लीव्स में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, लीव सरफेस की अपर पार्ट पे प्रेजेंट होंगे, इसे एपिस्टोमेटिक टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा कहेंगे। ये किन में प्रेजेंट होता है? ये वाटर लिलीज में प्रेजेंट होता है जो कि एक्वाटिक प्लांट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में तो वाटर पहले से ही बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि ये एक्वाटिक रीजन में ही रह रहे हैं वाटर लिली जैसे, तो इनको ज़्यादा, इनमें ट्रांसपीरेशन अगर ज़्यादा भी हुआ तो उनके लिए हेल्पफुल ही होगा क्योंकि ये वाटर के अंदर ही रह रहे हैं तो इनके पास में पानी की तो कोई कमी है नहीं। लेकिन कुछ स्ट्रोमेटा, कुछ प्लांट्स जो होंगे जैसे कि डिजर्ट में रहते हैं या फिर मरुस्थलीय इलाकों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें सनकर्न स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सनकर्न स्ट्रोमेटा क्या है? सनकर्न स्ट्रोमेटा
लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे एक तो लीफ के, और लीफ की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट तो है लेकिन उस एपिडर्मिस के अंदर धंसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लॉस कम से कम हो, इसलिए इनको सनकन स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। किन में प्रेजेंट होता है? ये मरुस्थलीय पौधों में प्रेजेंट होता है या फिर डिजर्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। आज हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि ट्रांसपीरेशन क्या है। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसमें पानी का लॉस हो रहा है वेपर्स के फॉर्म में। कहाँ से होता है? प्लांट की एरियल पार्ट से होता है। क्या क्या टाइप्स हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकल्स की लेयर से वाटर का लॉस होना क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहला दिया। 5-10% इसमें वाटर का लॉस होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिसेल्स से वाटर का लॉस होना लेंटिकुलर। लेंटिसेल्स क्या है? वूडी स्टेम्स के ऊपर और फ्रूट वॉल के ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे गैसेस मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होना और वाटर का लॉस होना होता है, इन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। इससे 0.1% वाटर का लॉस होता है। स्ट्रोमेटल या फोलियर टाइप, फोलियर क्यों कहा? क्योंकि लीफ के सरफेस से पानी निकल रहा है इसलिए इसे फोलियर कहा। स्ट्रोमेटा, लीफ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। इन स्ट्रोमेटा के थ्रू 85-90% वाटर का लॉस होता है, इन्हें स्ट्रोमेटल टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन कहा। लीफ के स्ट्रक्चर में देखिए, लीफ के स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस पे मैंने स्ट्रोमेटा का ड्रॉ किया है। ये इनर स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रोमेटा के थ्रू वाटर जो है बाहर की तरफ निकल गया तो इसे हमने कह दिया स्ट्रोमेटल ट्रांसपीरेशन। यदि क्यूटिकल लेयर से वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कह देंगे। स्ट्रोमेटा क्या होता है? स्ट्रोमेटा लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या काम करते हैं? वाटर मेनली जो है इनसे वाटर या ट्रांसपीरेशन में हेल्प करवाते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल के एक्सचेंज में भी इनका काम होता है। किडनी शेप के होते हैं, 2 सेल से बनकर बने होते हैं। पहली गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सेकंड सब्सिडियरी सेल्स, जिन्हें एसेसरी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। किनके अंदर? सब्सिडियरी सेल्स की एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। कुछ कुछ इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं। गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चर में हमने देखा, गार्ड सेल्स की इनर वॉल जो होगी वो थिक होगी और आउटर वॉल जो होगी, आउटर सेल वॉल, वो थिन होती है। ये ऐसा है क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करवा रही है। सेल्स के अंदर वाटर एंटर होगा एंडोस्मोसिस के थ्रू तो सेल टर्जिट हो जाएगी। टर्जिट होने का क्या मतलब है? सेल फूल जाती है, जिसकी वजह से प्लांट के गार्ड सेल्स के वॉल पर प्रेशर बनता है। यदि अंदर की तरफ वाली वॉल जो है वो मोटी नहीं होती तो एंडोस्मोसिस होने पे स्टोमेटा क्लोज हो जाते। अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो वाटर ट्रांसपीरेशन होता ही कैसे? इसलिए ये सेल्स मोटी होती है, आउटर लेयर पतली होती है। उसके बाद में हमने स्टोमेटा के टाइप्स के बारे में पढ़ा। हाइपोस्टोमेटिक, लीफ सरफेस की ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है इनमें स्टोमेटा। स्टोमेटिक लीव की सरफेस में अपर एपिडर्मिस पे भी और लोअर एपिडर्मिस पे भी दोनों तरफ प्रेजेंट होता है इनमें स्टोमेटा। एपिस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक के अंदर लीव की अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है वाटर लिली। एक्वाटिक मोस्टली एक्वाटिक रीजन वाले प्लांट्स के अंदर ही इनको देखा जाता है। हाइपोस्टोमेटिक का एग्जाम्पल क्या है? एप्पल, ऑरेंज आदि बड़े प्लांट्स जो होते हैं जिनके इनके अंदर हाइपो स्टोमेटिक टाइप के स्टोमेटा। एम्फी स्टोमेटिक का एग्जाम्पल है मेज एंड ओट्स। डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर क्या होता है? डाइकोट प्लांट्स के अंदर लीफ के ऊपर जो है ना स्टोमेटा बिखरे हुए रहते हैं और मोनोकोट्स के अंदर ये एक समानांतर रूप में व्यवस्थित रहते हैं। आज हमने ट्रांसपीरेशन पढ़ा है। आई होप आप लोगों को ट्रांसपीरेशन क्या है ये समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में हम मैकेनिज्म देखेंगे कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म कैसे होते हैं, स्टोमेटा कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ओपन होते हैं या फिर कैसे वो क्लोज होते हैं, और ट्रांसपीरेशन या वाटर बाहर और अंदर वाटर का लॉस जो होता है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ये कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो फील फ्री टू शेयर विथ मी। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।